प्रिय छात्रों, नवांकुर डिजी लेसन्स में मैं शंभु सिंह रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11 के अंतर्गत सबसे खतरनाक कविता का शीर्षक है, ये पंजाबी कवि पास ने ये कविता लिखी है, पंजाबी भाषा में लिखी हुई थी। इस कविता का ये हिंदी अनुवाद है जिसमें कवि ने मानव की उस स्थिति को सबसे खतरनाक माना है जब वह संवेदनहीन हो जाता है। तो ये कविता, इसका शीर्षक है सबसे खतरनाक। ये कवि पास हैं, अल्पायु में ये खालिस्तानी समर्थकों द्वारा मार दिए गए, क्योंकि ये एक ऐसे कवि थे जो निर्भीकता पूर्वक अपनी बात रखते थे और कई आंदोलनों में भी उन्होंने भाग लिया, सांस्कृतिक आंदोलन हो, राजनीतिक आंदोलन हो, ये आंदोलनों में भाग लेने के कारण ये जो लिखते थे वो जीवंत लिखते थे, माने किसी घटना में मानो ये खुद सम्मिलित हुए हों, इस तरह से ये लिखते थे। तटस्थ देख कर नहीं लिखते थे, माने घटना के भागी बनकर ये लिखते थे। तो ऐसे कवि निश्चित ही समाज के लिए एक दिशा निर्देशक का कार्य करते हैं। इनकी शिक्षा स्नातक तक हुई, क्योंकि ये बीच में व्यवधान आते रहे, साधारण किसान के बेटे थे तो नियमित ढंग से इनकी अध्ययन नहीं हो पाया, लेकिन इनकी कविता में तीखा तेवर था। कम समय में ही काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। ये कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन करते थे और इन्होंने समाज में जो व्यथा है, निराशा है, गुस्सा, आक्रोश, इन सब पर अपनी लेखनी चलाई और ये प्रसिद्ध भी हुए। इन्होंने एंटी 47 47 नामक एक पत्रिका थी, उसका संपादन किया, हेमज्योति का भी संपादन किया, हॉक, ऐसी पत्रिका। ये कुछ समय अमेरिका में भी रहे। इस कविता में जो सबसे खतरनाक है, इसमें इन्होंने ये चित्रित किया है कि आज समाज में, दुनिया में दिन प्रतिदिन लोग अत्यंत क्रूर होते जा रहे हैं, निशंस होते जा रहे हैं, संवेदनहीन होते जा रहे हैं और उन्हें अपने पड़ोस में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं रहता है, इतनी संवेदनहीनता। इस संवेदनहीनता को कवि ने उचित नहीं माना है, उन्होंने कहा है कि ये इस तरह से संवेदनहीन होना ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है मानवता के लिए। ये मानवता के लिए ठीक नहीं है संवेदनहीन होना। एक पड़ोसी के घर में कुछ हो और आप मूक दर्शक बने रहें या उससे कोई मतलब ही ना रखें, जो कि आजकल दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। लोग अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि अपने तक सीमित रह गए हैं। इसीलिए कविता का शीर्षक रखा गया है सबसे खतरनाक। पढ़ते हैं, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती,
बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। इनमें जैसे कि कविता का जब भी व्याख्या की जाती है तो आप उसके बिंदु जानते हैं, संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष। संकेत में पंक्ति का, जैसे मेहनत लिखा है पहला शब्द है इसको लिख देंगे, और आखिरी में शब्द लिखा है होता तो बीच में लगा देंगे डैश डैश डैश, मेहनत डैश 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 और होता, ये बन जाता है संकेत। फिर उसके बाद करते हैं संदर्भ। संदर्भ में पाठ का नाम, कवि का नाम, पाठ का नाम सबसे खतरनाक, और कवि पास। पास इनका उपनाम था, वैसे इनका पूरा नाम था अवतार सिंह संधो। तो कवि का नाम, पाठ का नाम, संदर्भ। प्रसंग, इसमें कवि ने जीवन में घटित घटनाओं के बारे में बताया है कि कौन कौन सी बातें खतरनाक नहीं होती, तो इस में प्रसंग रहेगा। मेहनत लुट जाए ये खतरनाक नहीं होता। अब व्याख्या, व्याख्या में कहेंगे मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, और गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है। पहली पंक्ति का अर्थ बहुत सरल भाषा में, खड़ी बोली में समझ में आ रहा हो, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। मतलब यदि कोई व्यक्ति परिश्रम करता है, पसीना बहा देता है, उसके बाद उसे जो पारितोषक या परिश्रम का फल मिलता है, प्रतिफल मिलता है, मेहनत की कमाई होती है उसकी, और यदि वो कमाई कोई लूट ले, छीन ले उससे, उस समय मनुष्य को बड़ा दुख होता है कि उसने परिश्रम किया, कौड़ी कौड़ी करके एकत्रित किया, लेकिन वो लुट गया, आंखों के सामने किसी ने छीन लिया, अत्यंत दुख होता है। ये दुख ये मनुष्य सह लेता है। कवि ने उस दुख को खतरनाक नहीं माना, माने भया क्रांत करने वाला नहीं माना, माने जिससे भय उत्पन्न हो ऐसा नहीं माना, खतरनाक माने जिससे भय उत्पन्न होता है, जहां भय उत्पन्न हो जाए, खतरा आए, बाधा आए, विघ्न आए, संकट आए, कष्ट आए, वो खतरनाक नहीं माना। तो यदि परिश्रम किया और उसके बाद उसकी मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई, खून पसीने की कमाई लुट जाए, तब भी वो उतना खतरनाक नहीं है। पुलिस की मार, इसको भी कवि ने खतरनाक नहीं माना है। पुलिस की मार यद्यपि खतरनाक होती है, थर्ड डिग्री, एक शब्द सुना होगा आपने, माने थर्ड डिग्री जो कि आजकल प्रतिबंधित कर दिया गया है, पुलिस बेरहमी से मारती है। पुलिस की मार को यहाँ पर थोड़ा सा कवि ने व्यंग किया है। पुलिस की मार, जब पुलिस मारती है ये ध्यान नहीं देती कि हड्डी टूटेगी या नहीं, कभी कभी ऐसी घटनाएं भी घटती हैं कि पुलिस की मार से व्यक्ति मर भी जाते हैं, लेकिन कवि कहता है पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, कि वो मार होती है, भय उत्पन्न होता है पुलिस की मार से, लोग पुलिस से डरते भी हैं, डरावनी होती है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं माना कवि ने। तो मेहनत लुट जाए उतना खतरनाक नहीं है, पुलिस मार दे उतना खतरनाक नहीं है, यद्यपि पुलिस की मार भी ठीक नहीं होती। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी क्या? अपने देश के प्रति श्रद्धा ना रखना, देश से द्रोह करना, देश से विद्रोह करना, देश के पर कुछ सूचनाएं बाहर पहुंचाना या देश द्रोह करना, ये देश से गद्दारी कहलाता है। गद्दारी देश से हो या समाज से हो, व्यक्ति से हो, किसी से भी हो, माने वफा के विरुद्ध कार्य हो। लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। लोभ की मुट्ठी, ये मुहावरा है, लोभ की मुट्ठी।
माने लालच में, रिश्वत देने में भी मुट्ठी बांध ली जाती है। वो मुट्ठी भी ज्यादा खतरनाक नहीं, लोभ करना, लालच करना, अपने स्वार्थ के लिए अपने देश से गद्दारी कर देना, अपनों से गद्दारी कर देना, अपने समाज से गद्दारी कर देना, ये भी उतना खतरनाक नहीं होता। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, अनायास अचानक कोई पकड़ ले, माने बिना कुछ कारण के, अकारण, आपने कोई अपराध भी नहीं किया, इसके बाद भी कोई आपको पकड़ ले, आप निर्दोष हैं, इसके बाद भी कोई आपको पकड़ ले, बैठे बिठाए पकड़े जाना, माने बिना करे धरे, बिना कुछ किए आपको कोई पकड़ ले, ये बुरा जरूर होता है लेकिन खतरनाक नहीं होता। इसे कभी ने खतरनाक नहीं माना, आपने कुछ किया नहीं और आपको दोष मर देना, आपको पकड़ लेना, सहमी सी चुप में जकड़े जाना, सहम जाना, आप डर गए, भयभीत हो गए, चुप हैं, शांत हैं, विरोध नहीं कर पा रहे, कोई अत्याचार हो रहा है आपके सामने, आप डर के कारण, सहम के कारण सहम गए हैं और चुप बैठे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, बुरा है लेकिन खतरनाक नहीं है। इसको कभी ने खतरनाक नहीं माना है। तो फिर खतरनाक क्या है? यहां इस कवि ने ऐसे चार पांच बातों को यहां बताया, मैंने टूट जाए खतरनाक नहीं, पुलिस की मार खतरनाक नहीं, लोभ की मुट्ठी खतरनाक नहीं, बैठे बिठाए पकड़ा जाना खतरनाक नहीं, सहम में से जकड़े जाना खतरनाक नहीं, कपट के शोर में सही होते हुए दब जाना, चारों ओर छल कपट, आप सही हैं लेकिन कपटी लोग, छल करने वाले लोग अपने जाल में फंसा लेते हैं और आप चुपचाप दब जाते हैं, ये बुरा है लेकिन खतरनाक नहीं है। कपट माने होता छल, धोखा, चारों ओर छल का वातावरण है, लोग आपस में धोखे दिए जा रहे हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। जो निश्चल व्यक्ति है, सीधा साधा है, भोला वाला है, ऐसे लोगों का शोषण कर लेते हैं कपट में फंसा कर उनको, तो ये आपकी आंखों के सामने होता है और आप फिर भी चुप रहते हैं, दब जाते हैं, ये बुरी बात है लेकिन खतरनाक नहीं है। किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है, जुगनू इस साइड में देख रहे हैं आप, ये कीड़ा होता है, ये प्रकाश करता है, घास पर मंडराता है, उड़ता है तो थोड़ी सी देर के लिए जलता है, तो इसका प्रकाश बहुत अत्यंत मामूली सा प्रकाश होता है। तो यहाँ जुगनू की लौ में पड़ना एक नई उपमा दी है कवि ने, जुगनू की लौ में पड़ना माने अभावों में जीवन व्यतीत करना। अब जुगनू की लौ में पढ़ना निश्चित है कि पढ़ नहीं पाएगा कोई भी, इतना प्रकाश होता ही नहीं पढ़ने के लिए पर्याप्त हो, तो जुगनू की लौ में पढ़ना यानी अभावों में जीवन व्यतीत करना, मजबूरी करण, अभाव में जीवन व्यतीत करना, ये बुरी बात है। मुट्ठियाँ भींच कर वक्त निकाल लेना बुरा तो है, अपने आप को महसूस कर रह जाना, मुट्ठियाँ भींचना माने आक्रोश आ रहा, आप गुस्सा आ रहा लेकिन आप व्यक्त नहीं कर पा रहे उसको, दबा लिया आपने। मुट्ठियाँ कब भींचता है व्यक्ति को? आक्रोश में, गुस्से में, जब किसी अन्याय को होता हुआ देखते हैं आप, आपको गुस्सा आता है लेकिन आप उसका प्रतिकार नहीं कर पाते हैं, आप उसको कह नहीं पाते हैं, आप उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं और आक्रोश में अपने आप सहन कर लेते हैं, तो मुट्ठियाँ भींच कर वक्त निकाल लेना, आक्रोश में अपने आप को बर्दाश्त कर लेना, सहन कर लेना, ये बुरी बात है लेकिन ये सबसे खतरनाक, इसको भी नहीं माना। तो कवि ने कहा है कि मेहनत की कमाई सबसे खतरनाक नहीं, मेहनत की कमाई लुट जाए तो खतरनाक नहीं, पुलिस की मार पड़ जाए तब भी वो खतरनाक नहीं, और सही होते हुए दब जाना बुरी बात
है लेकिन खतरनाक नहीं। जुगनू की लोभ में पड़ना माने अभावों में जीवन व्यतीत करना बुरा तो है लेकिन खतरनाक नहीं। अपने आक्रोश को दवा देना बुरा तो है लेकिन खतरनाक नहीं। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ये सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति। जैसे कोई शव है, मृत व्यक्ति शांत रहता है, नीरवता रहती है उसके चारों, उसमें कोई हलचल नहीं होती, निष्क्रियता रहती है, अत्यंत निष्क्रियता, अति निष्क्रियता, किसी भी तरह की से निष्क्रिय होना, वो कहलाती मुर्दा शांति। ये एक नया शब्द है, नई उपमा है कवि के द्वारा। इस पाठ में कुछ नई नई उपमाएं भी आपको मिलेंगी, जैसे जुगनू की लौ में पड़ना, मुर्दा शांति, ये अजीब सा सन्नाटा, अत्यंत निष्क्रिय व्यक्ति को ये कवि ने उपमा दी मुर्दा शांति। मुर्दा शांति से भर जाना, जैसे मुर्दा शांत रहता है, कुछ भी उस पर प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करता, ऐसे तरह से जब व्यक्ति में प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता ही ना रहे, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए, ना होना तड़प का, सब सहन कर जाना, सब कुछ बर्दाश्त कर लेना, उसमें कोई व्यग्रता ही नहीं, तड़प ही नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेना, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और वो सहन कर रहा है, घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना सबसे खतरनाक होता है। इसको माना है कवि ने सबसे खतरनाक, किसको? मुर्दा शांति, व्यक्ति में तड़प ना होना, अपने काम पर जाना और वापस आ जाना शाम को, माना जीवन एक ढर्रे के अनुसार गुजार देना, कोई नयापन नहीं करना, और बनी बनाई परंपरा के अनुसार चल रहे चले जा रहे, निष्क्रियता, अपने काम से काम और किसी से कोई मतलब ही नहीं, इसको कभी नहीं माना है सबसे खतरनाक, कि अपने घर से निकले काम के लिए, काम करके वापस घर आ गए और कोई जीवन में कुछ उत्साह ही नहीं, कोई उमंग ही नहीं, कोई उल्लास ही नहीं, एक बने बनाए रूटीन पर चल पड़ना, किसी कार्य के लिए कोई तड़प नहीं होना, कोई बेचैनी नहीं होना, सब कुछ सहन करते चले जाना, ये सबसे खतरनाक है। इसी कवि ने मुर्दा शांति कहा है, बिल्कुल निष्क्रिय होना, बिल्कुल संवेदनहीन होना। जब संवेदनहीन हो जाएगा, निष्क्रिय व्यक्ति हो जाएगा, उल्लास उमंग उत्साह उसके नष्ट हो जाएंगे, ये जीवन के लिए सबसे खतरनाक होता है। और सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। हम भविष्य के लिए कोई सपने ना देखें, माने कल्पना ऐसी ना करें जिसमें आगे क्या करना है, माने भविष्य के प्रति हम कुछ विचार ही ना करें, भविष्य के प्रति इसकी सोच नष्ट हो जाती है, उसको कवि ने सबसे खतरनाक माना है हमारे सपनों का मर जाना। सपने माने भविष्य के लिए कल्पनाएं, सुखद भविष्य किस तरह से निर्माण हो जीवन का, समाज का, राष्ट्र का, वो सपने ना देखे व्यक्ति, तो सपने ना देखना माने अपने लक्ष्य निर्धारित ना करना, ये सबसे खतरनाक होता है। गांधी आज अमर हैं तो क्यों? उन्होंने सपना देखा था, मेरे सपनों का भारत, कि भारत आजाद हो, कैसा हो, ये सपना था, उनकी कल्पना थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने देखा था विजन 2020, 20 सदी का भारत। तो जो व्यक्ति सपने नहीं देखते उनका जीवन भी व्यर्थ है, जो सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करते हैं वो अमर भी होते, इतिहास इस बात का गवाह है। चाहे आप गांधी जी का नाम लें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम लें। कवि यहाँ कहता है जो सपने नहीं देखता, या सपने जिसके मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, माने भविष्य के बारे में जो चिंतन नहीं करता, कल्पना नहीं करता, जीवन में ये सबसे खतरनाक होता है। तो सबसे खतरनाक क्या क्या माना कवि ने? मुर्दा शांति से भर जाना, ये सबसे खतरनाक होता है। अन्याय को सहन करना, उसके प्रति तड़प ना होना, उसके प्रति कोई व्यग्रता ना होना, बेचैनी ना होना, आक्रोश ना होना, ये सबसे खतरनाक है। अपने घर से निकलना काम पर और वापस अपने घर लौट कर वापस आ जाना, कोई और प्रतिक्रिया व्यक्त न करना, आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान न देना, अपने काम से काम रखना, ये खतरनाक होता है। हमारे सपनों का मर जाना, ये खतरनाक होता है। और क्या खतरनाक होता है? सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी, जो आपकी निगाह में रुकी होती है। घड़ी बंधी है हाथ में, ये आपको पता है कि समय रुकता नहीं है, समय निरंतर चलता रहता है, चलती हुई घड़ी देख रहे हैं आप, वो एक एक पल आगे खिसक रहा है समय, लेकिन फिर भी
आपका जीवन वहीं रुका हुआ है, आपकी दृष्टि में समय रुका हुआ है, माने आपकी सोच वहीं रुकी हुई है, आप कोई नया परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, ये सबसे खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है, या घड़ी शब्द के दो अर्थ हैं। घड़ी माने एक यंत्र जो हाथ में बंधा हुआ, कलाई में देख रहे हैं आप, एक साइड में देख रहे हैं आप ये घड़ी, और दूसरी घड़ी वक्त के लिए कहा गया, समय के लिए कहा गया। घड़ी एक समय होता है, समय का मात्रक भी होता है। प्राचीन समय में घड़ी एक मात्रक हुआ करती थी, जैसे कहते थे 8 पहर 32 घड़ी, दिन रात में 32 घड़ियाँ होती थी, मान लगभग 45 मिनट के लगभग का समय को एक घड़ी बोलते थे। तो घड़ी एक यंत्र का नाम भी है और घड़ी एक समय का मानक भी है, मात्रक भी है। तो यहाँ घड़ी के दो अर्थ निकल रहे हैं, शब्द एक बार का प्रयोग हुआ है और दो अर्थ यहाँ शेष अलंकार हो जाता है। सबसे खतरनाक वह घड़ी, घड़ी एक बार आया है घड़ी शब्द, लेकिन इसके अर्थ दो निकल रहे हैं, कौन कौन से, एक यांत्रिक यंत्र और एक समय, तो इसलिए इसके शेष अलंकार होगा। तो सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है जो आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। क्या उपमा दिए कवि ने कि आप समय पर बराबर निगाह रखे हुए हैं लेकिन फिर भी आपकी निगाह में रुकी है, माने आप देखकर भी, समय देखकर भी आप काम नहीं कर पा रहे हैं, समय देखकर भी आपका जीवन वहीं ठहरा हुआ है, समय देखकर भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। समय परिवर्तनशील है, निरंतर गतिशील है, पल पल बदलता रहता है, ये जानते हुए भी आपका जीवन वहीं पर रुका रहे, ये सबसे खतरनाक होता है। ये कभी कहते हैं सबसे खतरनाक होता है। और क्या खतरनाक होता है? सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। आँखें, वो आँखें जो आँखों के सामने सब कुछ घट रहा है, इसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं, बर्फ के समान जमी है, जैसे बर्फ शांत पड़ा है चुपचाप, वो आँख सबसे खतरनाक होती है। मैंने सब कुछ समाज में दिख रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, कहाँ अन्याय हो रहा है, कहाँ अत्याचार हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी उस आँख में कोई संवेदना ही नहीं, वो जमी बर्फ के समान हो गई, संवेदनहीन, माने बर्फ की आंख बनी गई एक तरह से, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं। जैसे जबकि दिल की बात आंख में आ जाती है, आक्रोश हो, ईर्ष्या हो, प्रेम हो, सहानुभूति हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, ये सारे भाव आंखों से व्यक्त हो जाते हैं। माने मानव की प्रतिक्रिया भावनाहीन हो जाना, भावनाएं व्यक्त ना हो पाए आंखों में, वो आंख सबसे खतरनाक होती है, जिसमें कष्ट के प्रति सहानुभूति ना हो, दुखों के प्रति ढाढ़स ना हो, साहस ना हो, भय हो, भय ना हो। तो इस तरह की आंख कवि ने कहा, बर्फ जम गई हो, इस तरह से माने निस्तेज हो गई हो, माने रोशनी समाप्त हो गई हो, इस तरह से कह देना। माने उस आंख का मतलब क्या, सबसे खतरनाक कौन सी आंख, वो आंख जिसमें बिल्कुल संवेदना समाप्त हो गई है, बर्फ के समान मान जम सी गई हो, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है। हाँ, वो आँख कौन सी आँख, जिसकी नज़र माने दृष्टि, दृष्टिकोण दुनिया को माने संसार को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, माने प्रेम करना भूल जाती है, संसार से प्रेम ही नहीं करता, मनुष्य इतना स्वार्थी हो जाता है कि अन्य लोगों से, वो प्राणी मात्र से प्रेम करने का सिद्धांत हमारा रहा है भारतवर्ष का, सदियों से कहा गया वसुधैव कुटुम्बकम, माने पूरी पृथ्वी एक कुटुंब है, परिवार के समान प्रेम करो उससे, लेकिन लोगों में नफरत आ जाए, ईर्ष्या आ जाए, जलन आ जाए, दुनिया को मोहब्बत से देखे ही ना, दुनिया को प्रेम से देखे ही ना, प्राणी मात्र से प्रेम करना सीखे ही ना, वो आँख सबसे खतरनाक होती है जो अन्य लोगों से प्रेम नहीं करती, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, वो आँख चीजों से उठती अंधेपन की भाव, वस्तुओं से, चीजों यानी वस्तुओं से उठती अंधेपन की भाव, अंधेपन की भाव ये कभी की नई नई उपमा देखी, अंधेपन की भाव माने अंधापन, माने उसे कुछ दिखाई ना देना, क्या दिखाई ना देना, वस्तुओं से लगाव उतना हो जाए कि उस वास्तविकता को पहचान ना सके, और वास्तविकताओं को ना पहचान पाए, जैसे भाप वस्तुओं से उठती है, समुद्र से उठती है, पानी गर्म होता है वहाँ से उठती है, भाप के समान
और फिर किसी वस्तु पर रुक जाती है, ठहर जाती है और फिर वो लुढ़क जाती है। जैसे आपने पतीले में पानी गर्म किया, पतीले के उस पर ढक्कन रख दिया, ढक्कन पर भाप जमा हो गई, कुछ देर बाद ठंडी होने के बाद वहाँ से बूंदें जमा हो जाती हैं, फिर बूंदें लुढ़कती जाती हैं। तो वो बूंदों की तुलना की गई है आंसुओं से, कि आंसू जब निकलते हैं तो कष्ट में निकलते हैं, और जब वस्तु पर वो भाप लुढ़कती है तो कष्ट में नहीं लुढ़कती। यह कवि कहना चाहता है कि अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है तो आंसू नहीं आते। लोगों की पीड़ा से जिसके आंख में आंसू नहीं आते वो आंख खतरनाक, बनावटी भाव जैसे आंसू निकल जाए वो सबसे खतरनाक। जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन द्वारा आपके उलटफेर में खो जाती है, जो दिनचर्या चल रही है उसी क्रम को करके लक्ष्यहीन जीवन जिया, उसको दोहराना बार बार दोहरा मन दोहराना, उसी के उलटफेर में खो जाती है वो आंख कवि ने सबसे खतरनाक माना है, कि वो आंख सबसे खतरनाक होती है। माने कट्टरता है, अंधेपन, संसार की जो प्रेम नहीं कर पाती वो आंख सबसे खतरनाक होती है, जिसमें कोई लक्ष्य नहीं, रोज रोज बेकार की बातों में समय नष्ट कर देना, एक जीवन धारा जो निर्धारित है उसी पर चलते जाना, आसपास पर ध्यान न देना, इस तरह का जीवन जो चल रहा है वो कवि ने सबसे खतरनाक माना है। माने संवेदनहीनता को कवि ने कहा है कि संवेदनहीन होना सबसे खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है और आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गढ़ता है। जब कोई घटना दुर्घटना घट जाती है, हत्याकांड हो जाता है, इसके बाद भी आसपास के लोग उस पर संवेदनहीन हो जाते हैं, उस हत्याकांड का विरोध नहीं करते, उस अन्याय का विरोध नहीं करते और अपना जीवन ठीक उसी तरह से व्यतीत करते रहें जैसे पहले व्यतीत हुआ, हत्याकांड के पहले। हत्याकांड जिसको चुभता नहीं है, आंखों में मिर्चों की तरह नहीं गड़ता, मिर्चों की तरह मैं मिर्ची जैसी नहीं लगता, मिर्ची जब लगती है आँख में तो अत्यंत पीड़ा होती है, या मिर्चों की तरह ना लगना, इसको भी कवि ने एक मुहावरा है मिर्चों की तरह लगना, मिर्ची लगना, उसी का रूप लिया मुहावरे को। तो हत्याकांड हो गया, उसके बाद शाम हुई, फिर वही चंद्रमा निकल आया और लोगों को मतलब दिन भर जो कार्य हुआ उस पर लोगों ने तनिक भी अफसोस जाहिर नहीं किया, प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, आक्रोश नहीं आया, इस तरह का चांद सबसे खतरनाक होता है। मैंने हत्याकांड के बाद जो शिकार लोगों को सूने आंगन पर चढ़ता है, असहाय लोगों, फिर भी लोगों की आंखों में वो खटकता नहीं है चांद, वो चांद सबसे खतरनाक होता है। यह कहने का मतलब है कि घोर नरसंहार होते हैं, अत्याचार होते हैं, इसके बाद भी लोगों में वही विश्वास, वही शांति, वही आस्था, ये सब चलता रहता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इस तरह का जीवन यापन ये सबसे खतरनाक होता है। हत्याकांड वाले लोगों को प्रतिकार नहीं करती वो, बल्कि उन्हें शांत करती रहती है, तो ये स्थिति खतरनाक होती है, इसको कवि ने सबसे खतरनाक माना है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मर्सिए पड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। मर्सिए, मर्सिए को कहते हैं शोक गीत, उर्दू में मर्सिया होता है, इसको शोक गीत कहते हैं। कुछ कवि किसी के मृत्यु पर करुण रस में ऐसी कविता लिखते हैं कि सुनने वाला विलाप तक करने लगता है, रोने लगता है, वो कहलाते हैं मर्सिए।
मर्शिया, शोक गीत। तो कहते हैं वो गीत सबसे ज़्यादा खतरनाक है जो आपके कानों तक पहुंचने के लिए मर्शिय पड़ता है। और आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडे की तरह करता है, जो भयभीत लोग हैं, गुंडा जा करके वहाँ अकड़ दिखाए, उनको और डराए, एक तो पहले से भयभीत आतंकित, और फिर उन्हें और भयभीत करे, आक्रांत करे, तो वो सबसे खतरनाक होता है। आपके कानों में गीत जा रहा है, मर्सिया है, इसके बाद भी आपको कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं हो रही है, ये सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। वो रात सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है कि व्यक्ति जिंदा है, जिंदा रूह, रूह माने होता है आत्मा, जिसकी आत्मा जीवित है, आत्मा मरी नहीं है, फिर भी आसमान पर ऐसे बुझा बुझा सा हो गया, उदास हो गया, खो गया, निराश हो गया, ढलती है, ढल रही है आसमान में, क्या रात ढल रही है, मन रात ढल रही है, बुझा हुआ, उदास सा जीवित होते हुए। वो रात जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीदड़, ऐसी रात जिसमें गीदड़ बोलते हैं, उल्लू बोलते हैं, उल्लू निशाचर पक्षी होता है, रात्रि में ही बोलता है, और गीदड़ यानी लोमड़ी, ये देख रहे हैं आप लोमड़ी, ये भी रात्रि में निकलती है, गाँव की भाषा में इसे लड़ैया भी कहते हैं, सियार भी कहते हैं कभी कभी, थोड़ा सा अंतर होता है सियार और लोमड़ी में। तो ये हुआ हुआ करते हैं शाम के समय, गीदड़ बोलते हैं अक्सर, तो ये रात में बोलते हैं, उल्लू हो वो गीदड़ हुए, तो वो रात सबसे खतरनाक होती है जहाँ उल्लू बोल रहे हैं, गीदड़ बोल रहे हैं, यानी यहाँ कौन, उल्लू किसे कहा, गीदड़ किसे कहा, ये वास्तव इन जानवरों को नहीं कहा, उन व्यक्तियों को उल्लू कहा है जो उल्टा कार्य करते हैं। रात्रि में वो रात खतरनाक होती है, माने ऐसे व्यक्ति जो गलत कार्य करते हैं और फिर भी लोग उन्हें बर्दाश्त कर लेते हैं, हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। अंधेरा कहाँ चिपक जाता है, दरवाजों पर, चौगाठों मतलब चौपालों पर ये चिपक जाता है, वो रात खतरनाक होती है, माने जहाँ अन्याय अत्याचार होते रहते हैं ऐसी रात। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए, आत्मा में जो प्रकाश वो समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, आत्मा में जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाए, माने मनुष्य का सचेतनता, चैतन्यता समाप्त हो जाए, वो दिशा सबसे खतरनाक होती है। और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए, और वैसे बुझे बुझे से प्रकाश निकला, मुर्दा धूप आपके जिस्म में चिपक जाए। इसको कभी ने कभी कहता है वह रात सबसे खतरनाक होती है जिसमें जीवित आत्मा को संसार पर आ गिरती है, मतलब जो व्यक्ति जीवित हैं उन पर रात है, और उल्लू बोल रहे हैं, गीदड़ बोल रहे हैं, दरवाजे चौखटों पर जाकर अंधेरा छा गया है, मतलब जितनी अंधी रूढ़ियाँ हैं, अंधविश्वास हैं, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं, ये मनुष्य के मन मस्तिष्क पर ऐसे हावी रहते हैं कि वो उन्हीं में लगा रहता, उन्हीं का गान करता रहता है, किसका, रूढ़ियों का, अंधविश्वासों का, उसी का महिमा मंडन करने में लगा रहता है। उल्लू बोलना माने उसका महिमा मंडन करना, माने जो चीज़ आज प्रासंगिक नहीं है और उन्हीं में उलझे रहना, ये सबसे खतरनाक होता है। तो कवि ने इस कविता में कहा कि आपकी मेहनत की कमाई लुट जाए वो उतना खतरनाक नहीं होता, पुलिस की मार पड़े वो भी उतनी खतरनाक नहीं होती, गद्दारी, लोभ की मुट्ठी, माने लोभ लालच आ जाए, स्वार्थवश आ जाए, रिश्वत, देश से द्रोह करना, ये खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है क्या, मनुष्य को संवेदनहीन हो जाना। आइए अब इस कविता के कुछ प्रश्न पढ़ते हैं और उनके उत्तर देने का प्रयास करते हैं। कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ का को सबसे खतरनाक नहीं माना है। कवि कहता है
कि पुलिस की मार, मेहनत की लूट, ये सब गद्दारी, ये सब बुरी तो हैं लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है, क्योंकि ये इनका प्रभाव सीमित होता है, इनसे प्रयास किया जाए तो उबर भी सकते हैं, इनसे संघर्ष भी किया जा सकता है, इनका विरोध भी किया जा सकता है, इसलिए कवि ने इनको सबसे खतरनाक नहीं माना है। पुलिस की मार होती है तो कभी कभी लोग मीडिया में चले जाते हैं, अदालत में चले जाते हैं, मेहनत की लूट हो जाती है तो उसकी शिकायत कर देते हैं, तो इनका आक्रोश मतलब विरोध कर सकते हैं, इसलिए कवि ने इनको सबसे ज़्यादा खतरनाक नहीं माना है। सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या असर पैदा हुआ है? अब सबसे खतरनाक बार बार आए शब्द ही, इससे क्या हुआ? पाठकों को जो भी कविता पढ़ते हैं या जो भी विद्यार्थी हैं उनका ध्यान एक तो बार बार इस शब्द पर जाता है, दूसरा इसमें क्या है कि उनको जिज्ञासा उत्पन्न होती है, सबसे खतरनाक क्या? तो तुलनात्मक रूप से कहा गया सबसे, जैसे इससे 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 ऐसे सबसे, तो तुलनात्मक जब दो चीज़ों में तुलना करते हैं तो एक की तुलना में किसी दूसरे को अधिक बता देना, तो इसलिए सबसे खतरनाक, खतरनाक तो है लेकिन सबसे खतरनाक, तो मैंने सबसे अधिक, अंग्रेजी में 3 डिग्री होती है ना सुपरलेटिव डिग्री, तो सबसे खतरनाक, तो सबसे खतरनाक ने कविता में असर पैदा कर दिया है। क्या असर पैदा, क्या प्रभाव पड़ गया इससे कि एक तो पाठक का ध्यान बार बार जाता है उस पर, दूसरा वो तुलनात्मक उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, तो ये असर उत्पन्न हुआ। कवि ने कविता में कई बातों को बुरा है ना कहकर बुरा तो है कहा है, तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा में क्या बदलाव आया है? तो में बचाव है, बुरा तो मान रहा है लेकिन फिर उसको बचाव कर देता है, बुरा है लेकिन बुरा तो है मतलब उसका बचाव कर रहा है, उतना बुरा बुरा नहीं कह रहा है उसे, सबसे बुरा नहीं मान रहा उसको, तो इसलिए तो कहने से उसका प्रभाव, उस जो बात कह रहा है उसको बचा रहा है, उसके औचित्य को स्वीकार कर रहा है। जैसे बुरा तो है, पुलिस की मार बुरी तो है, अब बुरी तो है मतलब उसका बचाव कर दिया, लेकिन कभी कहता है उसका विरोध हो सकता है, तो है कहने से उसका बुरा कहने का जो वाक्य है वो पूर्ण हो जाता है, बुरा तो है तो वाक्य पूरा हो गया लेकिन अगली बात जुड़ गई उसमें, इसमें श्रोता के मन में और जिज्ञासा पैदा हो जाती है, पता नहीं और आगे क्या। तो है कहने से एक तो वाक्य को पूरा कर दिया, एक उस वाक्य का बचाव कर दिया और जिज्ञासा बढ़ा दी और उसकी तुलनात्मक कोई बात और आ गई। मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना, इनको सबसे खतरनाक माना गया है। आपकी दृष्टि में इन बातों में परस्पर क्या संगति है और ये क्यों सबसे खतरनाक है? मुर्दा शांति से भर जाना और सपनों का मर जाना, ये दोनों क्या है, खतरनाक बातें मानी गई हैं। सबसे खतरनाक कहा है कभी नहीं इन दोनों को, कि मुर्दा शांति से भर जाना सबसे खतरनाक है, हमारे सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक है, तो ये सबसे खतरनाक है। और इन दोनों का मतलब है निष्क्रियता, निठल्लापन, भविष्य के बारे में सोच ही नहीं होना, संवेदनाहीनता, इनमें ये संगति बताई गई है। जीवन में कुछ करने का उत्साह पैदा ना होना, मनुष्य का पंगु हो जाना माने बेकार हो जाना, इस तरह की इसमें समानता बताई गई है। ये बताती है कि मनुष्य निकम्मा हो गया है, वो कुछ करने नहीं चाहता, उसके मन में मुर्दा शांति भर गई है माने वो अत्यंत निरुत्साही हो गया है। हमारे सपनों का मर जाना माने भविष्य की वो कल्पना ही नहीं कर पा रहे हैं, ये संगति इसमें बताई गई। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। इन पंक्तियों में घड़ी शब्द की व्यंजना से अवगत कराइए। घड़ी शब्द मैंने बताया था, घड़ी शब्द के दो अर्थ हैं, एक घड़ी जो यांत्रिक जो आपकी कलाई में होती है, दीवार पर होती है, और एक घड़ी माने वक्त, समय। यहाँ श्रेष्ठ अलंकार है, इसमें घड़ी की व्यंजना में इसके दो भिन्न अर्थ प्रकट हो रहे हैं और दोनों अर्थों में मनुष्य के निष्क्रियता को व्यक्त किया गया है
कि मनुष्य जानते हुए भी समय को नहीं पहचान पा रहा है। वह चांद सबसे खतरनाक क्यों होता है जो हत्याकांड के बाद आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है? माने हत्याकांड होने के बाद भी, माने हत्या होने के बाद भी आपका व्यवहार ज्यों का त्यों बना है, आप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आपको वो बात अन्याय चुभा नहीं, आपको उसमें टीस पैदा नहीं हुई, आपको उसमें आक्रोश नहीं आया। इस तरह के व्यवहार को कभी ने कहा है कि आंखों में मिर्चों की तरह नहीं गड़ा आपको। यदि जिस तरह से आंखों में मिर्ची लग जाती है तो व्यक्ति अत्यंत परेशान हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तरह से कष्ट होता है, चीखता चिल्लाता है, पानी से आंखों को धोता है, इस तरह से वो प्रयास करता है। लेकिन पड़ोस में हत्याकांड हो गया, आप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, आप में कोई आक्रोश नहीं। तो इसलिए कभी ने कहा है कि जो हर हत्याकांड के बाद आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है, माने मनुष्य का वो व्यवहार जो तटस्थ हो जाता है, सहानुभूति जिसकी संवेदनहीनता बिल्कुल समाप्त हो जाती है, ऐसे व्यवहार कवि ने कहा है कि चांद की तरह सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, एक नई कविता है, इसमें ये कविता में एक पंजाबी कविता थी उसका हिंदी में अनुवाद किया है, और अनुवाद करने के बाद इसमें ये उद्देश्य था कि देश की विभिन्न भाषाओं में भी जो वर्तमान में खड़ी बोली में क्या क्या क्रियाकलाप हो रहे हैं उनके बारे में छात्रों की जानकारी हो, इसलिए इस पाठ को आपके पाठ्यपुस्तक में समेटा गया है आरोह में। धन्यवाद।